हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल और आपका आर्टफुल साहिल स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाइट फेविक्रिल का वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर करने से बॉडी में, फेस पे शाइन आ जाता है और कलर अच्छा होता है, कम लगता है। अगर वो भी ना हो तो चूना यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है जल्दी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फैमिली मेम्बर्स। और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ऐसी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए। अब हम मूर्ति में डेप्थ देने के लिए लाइट स्किन कलर यूज़ करेंगे। स्किन कलर बनाने के लिए हल्का सा येल्लो, हल्का सा ब्राउन और हल्का सा वाइट, थोड़े थोड़े इक्वल अमाउंट में यूज़ करेंगे जिससे स्किन कलर बन जाएगा। और फिर उसके बाद पिंक कलर हम लोग बनाएंगे। लाइट पिंक बनाने के लिए 50% वाइट कलर और 50% पिंक कलर यूज़ करिए, लाइट पिंक बन जाएगा। फिर इसको उंगलियों में हम उसको लगाएंगे, लिप्स पे लगाएंगे, जिससे ये पिंकिश ग्लो देता है। मैंने यहाँ पर पूरा स्किन कलर नहीं किया है, आप चाहे तो सरस्वती जी को पूरा स्किन कलर से भी कर सकते हैं। सो फिर आगे हम लोग ब्लाउज़ का कलर कर रहे हैं, रेड कलर से ब्लाउज़ कर रहे हैं, या तो आप कपड़ा अलग से यूज़ करके ब्लाउज़ बना सकते हैं या लगा सकते हैं। और फिर हम लोग अल्ता के कलर करेंगे उंगलियों पर, रेड कलर पतले ब्राउन ब्रश से यूज़ करेंगे। उंगली में ऐसे गोल्ड डिज़ाइन बनाकर डॉट डॉट कर देंगे। उंगली में जैसे किया है वैसे ही पैर में भी डिज़ाइन हम लोग कर देंगे। फिर हम लोग सरस्वती जी के कमल को कलर करेंगे। हमने वही लाइट पिंक यूज़ किया है, आप और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने ज़्यादा ही डार्क कर दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने चेंज कर दिया। और फिर कमल जो पैर रखी है उस पर येल्लो कलर कर देंगे। और बत्तख के कलर चोंच को ऑरेंज करेंगे और पैर को भी। फिर हम लोग बेस कलर ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू कलर कर देते हैं। फिर बत्तख के पंख को फेदर दिखाने के लिए, दब दिखाने के लिए हम ग्रे कलर का यूज़ कर रहे हैं। 50% वाइट और ब्लैक यूज़ करके हम उससे कर देंगे। और बत्तख के पंख को शेड दे देंगे जो कि डेप्थ शो करेगा और बत्तख के पंख को और निखारेगा। बारी आती है आँखों को कलर करने का, तो उसके लिए हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्राउन कलर यूज़ करने से हमें अगर कोई गलती हो जाती है हमसे तो हम उसे सही कर सकते हैं। ब्लैक कलर डायरेक्ट यूज़ करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो पहले हमने ब्राउन कलर से ऐसे कर लिया है। पतला ब्रश का यूज़ करेंगे और आराम आराम से करेंगे। फिर रेड कलर से ऊपर आउटलाइन देंगे और गोल्डन कलर से उनके पलकों को आई शेडो दे देंगे। फिर ब्लैक कलर का एंड में यूज़ करेंगे पतले ब्रश से। फिर उसको हम आँखों के पलके बना देंगे और आँख को कलर कर देंगे। फिर टीका के लिए येल्लो और रेड कलर यूज़ करेंगे और ऊपर वाले बाल को कलर कर देंगे। फिर ब्लैक कलर से बाल का डिज़ाइन दे देंगे। फिर बत्तख के आँख को ब्लैक कलर से हम लोग कलर करेंगे। फिर हम लोग वीणा का कलर ब्राउन करेंगे। सो पहले ब्राउन कलर का कोट मार देंगे और फिर जो वाइट वाइट स्पेस छोड़ा है मैंने उसमें गोल्डन कलर का यूज़ करेंगे। और फिर गोल्डन कलर ब्राउन कलर के ऊपर भी डाल देंगे जिससे ये सोने का रिफ्लेक्ट करेगा, शाइन करेगा। फिर बुक को कलर करेंगे। बुक को हमने जो बनाया था मिट्टी से, तो ये देख लीजिए। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग वार्निश करेंगे। वार्निश करने से फेस पे शाइन आता है, तो ये वार्निश आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा और इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वार्निश करने से थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाता है बट फिर भी ये शाइन करता है, अच्छा लगता है। फिर हम लोग साड़ी पहनाएंगे, उसके लिए हमने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा कहीं भी आपको पूजा स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। फिर ऐसे हम लोग स्टेपलर के यूज़ से ऊपर और जो फोल्ड देना है वहाँ पर लगा देंगे। फिर फेविकोल के मदद से उसे हम लोग पेस्ट करते जाएंगे और फोल्ड देंगे जिससे ये लगे कि साड़ी का जो फोल्ड होता है वो देंगे। फिर दूसरा वाला हमने दूसरे पैर का ऊपर और नीचे स्टेपलर मार के फिर से ऐसे सेट कर लिया है और फेविकोल के मदद से उसे हम पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बड़ी से साड़ी का और टुकड़ा लेंगे, फिर ऊपर स्टेपलर करके फिर फोल्ड जाएँ वहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे और पीछे तरफ से हम उसको चिपका देंगे और बांध देंगे रस्सी के मदद से। आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं, सुतली ले सकते हैं, उससे आप बांध देंगे जिससे ये साड़ी का परफेक्ट शेप आएगा, बॉडी शेप आएगा। और फिर पल्लू हम पीछे से चिपका देंगे अलग कपड़े से जैसे हमने बाकी बनाया है।
हम लोग ज्वेलरी पहनाने के लिए माला लेंगे, ये भी वही पूजा स्टोर से आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। और फिर या तो ये ना हो तो आप अपने से भी बना सकते हैं। और ये मुकुट भी मैंने वहीं से लिया है, परचेस किया है। फिर हम लोग नकली बाल लगाएंगे, उसके लिए पहले फेविकोल लगा लेंगे माथे पे और फिर उसको चिपका देंगे और बाल को पीछे की तरफ कर देंगे। फिर हम लोग सिंदूर के लिए लाल कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, रेड पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बॉल चेन के मदद से हम बाल को डेकोरेट कर देंगे। और फिर लेस के यूज़ से हम गले में, हाथ में और सर पे मांग टीका बना लेंगे। आपको सरस्वती जी की मूर्ति कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगा है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।